सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A54 5G 40,000 रुपए दोस्तों। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा सभी कुछ यहाँ पर काफी बेहतरीन है। लेकिन भाई आज से लगभग एक साल पहले लॉन्च किए गए सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन, ये स्मार्टफोन भी भाई 40,000 रुपए के अंदर आपको काफी तगड़े फीचर्स प्रोवाइड करता है। और दोनों स्मार्टफोन ऑफलाइन में अवेलेबल है भाई, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सभी जगह पर। हमें कौन सा लेना चाहिए, 40,000 रुपए A54 या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन? दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपेयर, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा के अंदर क्या क्या फर्क है, विद रीजन कि भाई आपके लिए यहां पर कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा, सारी जानकारी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपेयर, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी, लुकिंग के बारे में। ये डिपेंड करती है आप पर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लुकिंग के अंदर ज्यादा अच्छा लगता है। A54 कैमरा की रिंग्स बना दी भाई, और S21 फैन एडिशन के अंदर जरा सा कैमरा को एक बम बना दिया। दैट्स इट दोस्तों, लुकिंग के अंदर दोनों स्मार्टफोन यहां पर काफी ज्यादा सिमिलर है। डिपेंड ऑन यू कि आपको यहां पर कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन भाई यहां पर एक छोटा सा फर्क पड़ेगा, डिपेंड करता है आप पर कि आपको फर्क पड़ता है क्या। अगर हम बात करते हैं A54 की, ग्लास बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, लेकिन S21 फैन एडिशन के अंदर प्लास्टिक का बैक, मेटल फ्रेम। डिपेंड ऑन यू क्योंकि हमें लगाना है भाई कवर, और मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी डिपेंड ऑन यू। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले दोस्तों यहां पर एग्जैक्ट सेम है दोनों स्मार्टफोन की, 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, 1200 निट्स की ब्राइटनेस पीक, HDR 10 प्लस वाइड वैन L1 गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और दोनों के अंदर भाई बेजल्स और चेन बहुत ही ज्यादा खत्म है, एकदम खत्म है यहां पर। अगर हम बात करते हैं ना यार, सैमसंग डिस्प्ले किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है भाई। अगर हम बात करते हैं कलर्स की, ब्लैक कलर्स की, पंची कलर्स की, एक बढ़िया कलर्स यहां पर निकल के आते हैं। अगर हम बात करते हैं मीडिया वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग, गेमिंग के अंदर, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एग्जैक्ट सेम, और दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले आपका एक बहुत ही बेहतरीन काम करवा के देगी, दैट्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। यहां पर दोस्तों दिन और रात का फर्क पड़ेगा, कैसे। सैमसंग गैलेक्सी A54 एक्सिनोस 1380 ये दोस्तों आता है 5nm पे, जो कि यार मिड रेंज के हिसाब से ठीक था, लेकिन 40,000 रुपए के अंदर एक्सिनोस का 1380 ये दोस्तों जस्टिफाई नहीं करता है। वेरियंट की बात करते हैं 8128, 8256 GB के साथ में, 4X रैम, UFS 2.2 के साथ में, 5G के बैंड यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, 5,20,000 का एंटीटू बेंचमार्क। ये यार मुझे लगता है कि कोई खास बड़ा काम नहीं किया यार, क्योंकि एक्सिनोस का 1380 ये मिड रेंज के हिसाब से 20-25,000 रुपए के स्मार्टफोन के अंदर अच्छा लगता, नॉट इन द 40,000 रुपए के स्मार्टफोन के अंदर। एंड्रॉइड 13 पर आएगा, लेकिन भाई 4 साल के अपडेट लेके आएगा एंड्रॉइड 14, 15, 16, 17 तक, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, सैमसंग के स्मार्टफोन दोस्तों चाहे कितने भी महंगे खरीद लो, नॉट फॉर गेमर्स, लेकिन हाँ आपकी एक 60 FPS गेमिंग बढ़िया करवा देगा भाई, लेकिन मीडियम सेटिंग्स पे, नॉट फॉर हाईएस्ट सेटिंग दोस्तों गेमिंग आपकी नहीं करवाएगा। और ये काफी डिसेंट गेमिंग के हिसाब से ठीक है यार, लेकिन उतना अच्छा नहीं है एक्सिनोस 1380। मैं कहूंगा कि नहीं भाई, 40,000 रुपए के अंदर एक्सिनोस 1380 जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं S21 फैन एडिशन की, एक्सिनोस 2100 ये दोस्तों आता है 5nm पे, हालांकि ये भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली आपको एक बढ़िया क्वालिटी निकाल के देता है दोस्तों। 8128, 8256 GB के साथ में, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 के साथ में, यानी दोस्तों कंपेरेटिवली यहां पर बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई ये बहुत ज्यादा तगड़ा एसओसी है, लेकिन नहीं, कंपेरेटिवली यहां पर बेहतर है भाई। अगर हम बात करते हैं एंटीटू बेंचमार्क की, लगभग 7 लाख का एंटीटू बेंचमार्क आएगा यहां पर। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, अल्ट्रा हाई सेटिंग दोस्तों गेमिंग कीजिए, कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग जिटर आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना सैमसंग की, देखिए यार दोनों स्मार्टफोन के अंदर एकदम नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है भाई। दोनों स्मार्टफोन की UI यहां पर एग्जैक्ट सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, 40,000 रुपए, तो मेरे हिसाब से यार A54 एक्सिनोस 1380 आपका जस्टिफाई नहीं करेगा, एक्सिनोस का 2100 ये भी जस्टिफाई तो नहीं करता भाई, लेकिन कंपेरेटिवली यहां पर थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी निकाल के दे पाएगा, दैट फॉर श्योर।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A54 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और कैमरा की एप्लीकेशन दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा तगड़ी वाली है यार। यहां पर आपको प्रो मोड, सिंगल टेक, ड्यूअल व्यू, व्लॉगर मोड सारे देखने को मिल जाएंगे। रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर 4K 30fps, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैप कर दिया भाई, 4K 60fps होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कैमरा की क्वालिटी यहां पर काफी ज्यादा तगड़ी वाली है। मैंने चेक किया डेमो पीस और आपको दिखा रहा हूं मैं क्वालिटी। अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन के बारे में, 12+12+8 मेगापिक्सल का विद OIS, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और ये कैमरा दोस्तों फैन एडिशन के कैमरा हमेशा ए सीरीज से काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, डेट फॉर श्योर। अगर हम बात करते हैं कैमरा एप्लीकेशन की, दोनों की भाई एग्जैक्ट सेम है, सिंगल टेक, प्रो मोड, ड्यूअल व्यू, व्लॉगर मोड, नाइट मोड सारे मिल जाएंगे। लेकिन भाई यहां पर आपको मिलता है 4K 60fps फ्रंट और रियर दोनों के अंदर। तो भाई अगर मेरे हिसाब से मुझे लगाना है पैसा 40,000 रुपए, तो कैमरा दोस्तों यहां पर फैन एडिशन का ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए दोनों स्मार्टफोन का अलग से कैमरा कंपेयर, आप कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहां पर बैटरी की, A54 5000mAh की बैटरी, S21 फैन एडिशन 4500mAh की बैटरी, दोनों के अंदर मिलता है आपको 25W का चार्जर। प्राइस की बात करते हैं 40,000 रुपए। यहां पर दोस्तों पता है मेरा ओपिनियन यहां पर क्या कहता है कि बिल्ड क्वालिटी डिपेंड करती है आप पर, है ना, ग्लास का, प्लास्टिक का, है ना, मेटल का, वो डिपेंड करेगा आप पर, देखना अपने हिसाब से। डिस्प्ले यहां पर एग्जैक्ट सेम है, परफॉर्मेंस और कैमरा यहां पर S21 फैन एडिशन का ज्यादा बेहतर निकल के आता है। लेकिन हाँ, एक साल स्मार्टफोन भाई पुराना है, हालांकि आप तो नया लोगे लेकिन फिर भाई अपडेट का फर्क पड़ जाएगा यहां पर, एंड्रॉइड के अपडेट्स का, डिपेंड ऑन यू। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एंड्रॉइड 12, 13, 14 का आपको फर्क नहीं पड़ता है ना, उस केस के अंदर A54 से S21 फैन एडिशन आज की तारीख के अंदर भी 40,000 रुपए में लेना मेरे हिसाब से एक फायदे का सौदा है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन है स्मार्टफोन को खरीदने में आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कर देना, वीडियो को भाई लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।